जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज की वीडियो है चंद्र ग्रहण। जैसे कि आप सभी थंबनेल से जाना है, इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सितंबर में होने वाला है, जो कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। तथा यह चंद्र ग्रहण कहाँ देखा जाएगा, भारत में मान्य है कि नहीं, तथा इसके सूतक काल और चंद्र ग्रहण की अवधि जानेंगे। तो अगर वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यूज़फुल लगे तो आप अपने इसे फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण पे बहुत सारी वीडियो आ गई हैं अभी तक, और उसमें घुमा फिराकर बातें बताई जा रही हैं। हम आपको ये बता दें कि ये चंद्र ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। सटीक जवाब देने के लिए हमारा चैनल हमेशा ही आगे रहता है। इसका आप सभी को गर्व भी होना चाहिए और हमारे चैनल से बने रहना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब भारत में नहीं दिखाई देगा तो इसका सूतक भी नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि इस चंद्र ग्रहण को प्रेग्नेंट महिलाएं उस दिन ना देखें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, जो कि सितंबर में 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। उस दिन श्राद्ध तिथि आरम्भ भी हो रही है। चंद्र ग्रहण कहीं पे भी लगे, भारत में दिखे अथवा न दिखे, फिर भी एक कार्य अवश्य करना चाहिए। वो कार्य क्या है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्र ग्रहण कहीं पे भी लगा हुआ हो, अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखें और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और धर्म के कार्य को रुचि से करना चाहते हैं, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये है चंद्र ग्रहण खजाना लूटने का दिन। इस दिन मंत्र जाप किया हुआ हमारे साथ बना रहता है। हमने इस चंद्र ग्रहण में कई ऐसे मंत्र सिद्ध किए हैं जिसको हमने अपने लाइफ स्टाइल में इसको उतारा है, और उसे 100% उसका हमने लाभ उठाया है। ये चंद्र ग्रहण का लाभ आपको जीवन में क्या कहें, मतलब कि एक चंद्र ग्रहण का एक बार आपको वो लाभ जरूर दिलाएगा इस चंद्र ग्रहण में, जो आप ये मंत्र जाप कर लिए। तो मंत्र जाप क्या करना है? मंत्र जाप जो भी आपको तकलीफ हो उस चीज़ की ध्यान में रखते हुए मंत्र जाप करना है। यानी सभी प्रकार के मंगल चाहते हैं तो सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार साधिके शरणत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को आप 10 माला चंद्र ग्रहण में कर लेंगे तो अगर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपका कार्य शुभ हो, तो इस माला को आप देवी माता के सामने एक गोल बत्ती या लंबी बत्ती देसी घी का जलाकर एक माला इसे कर ले, आपके सभी कार्य में सफलता होगी। यानी वही कार्य होगा जो आपके लिए मंगल है। मंत्र नंबर 2 अवश्य ही करना चाहिए। कोई नहीं जानता कि हमारी परिस्थिति कब किसका सामना करने वाली है, कब किसको हाड़ी बीमारी पकड़ने वाला है। अगर इस तिथि में, इस चंद्र ग्रहण में अगर आप महामृत्युंजय जप का 10 माला करते हैं तो आपको एक बार इसका फल मिलेगा। दोनों ही मंत्र को एक ही बार आपको फल मिलेगा, क्योंकि फिर चंद्र ग्रहण आते आते आपको दूसरी मंत्र का जाप करना होगा, क्योंकि ये ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उड़वा रुक्मिण बंधनात् मृत्यु मुक्षेमा अमृतात्। इस मंत्र को आप 10 माला अगर करते हैं, और अगर परिवार में किसी का तबीयत खराब है, अस्वस्थ है, जीवन मृत्यु के उपरांत वो लड़ रहा है, तो अगर ये मंत्र आप एक माला उस टाइम करते हैं, जब ये आप 10 माला कर लेंगे चंद्र ग्रहण पर, तब के बाद आप एक माला उस व्यक्ति के नाम से करते हैं, भगवान के आगे दीप जला के, शंकर भगवान के आगे एक दीप जलाएं और इस मंत्र को जाप करें, तो आप देखेंगे कि 1000% वह व्यक्ति संकट से बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से दुर्गा सप्तशती के बहुत सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों को आप ग्रहण के दौरान सिद्ध कर लीजिए। विद्यार्थी जीवन में जो जी रहे हैं, जिनको विद्या अर्जन करना है, वो माता शारदे का मंत्र जरूर जाप कर ले 10 माला, तब परीक्षा देने जाए अथवा रिजल्ट अपना खोलना है उन्हें, जब वो मंत्र को एक माला जाप कर अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो भी वो उत्तीर्ण पाए जाते हैं। हमने महामृत्युंजय मंत्र को 2-3 बार आजमाया है, लेकिन ये ध्यान रखें कि एक बार जब ये 10 माला कर लेंगे तो आपके लाइफ में एक ही बार वो वर्क करेगा, यानी कि तब काम करेगा कि जब फिर दोबारा से आपके ग्रहण में आप उस मंत्र का फिर जाप कर लेते हैं।
तो इसलिए क्योंकि हम लोग संसारिक मतलब ऐसे प्राणी हैं, परिवार में रहते हैं, इतना दीन धर्म नहीं करते हैं, लेकिन मंत्र जाप की इतनी शक्ति होती है कि अगर हम ग्रहण में कर लेते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है और एक बार हमें वो काम जरूर आता है। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई कमेंट हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको मंत्र की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें इस मंत्र की जानकारी चाहिए, इस प्रॉब्लम से निकलना है, हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जान लीजिए कि इसकी अवधि क्या है चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगेगा। यह एक आशिक चंद्र ग्रहण है जो कि भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को सुबह 6:01 से शुरू होगा और सुबह 10:01 तक कुल रहेगा। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण की अवधि 4:06 का ही रहेगा। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में देखा जा सकता है, लेकिन भारत में नजर नहीं आएगा। अब ये बात बता दें कि इसकी सूतक काल भी भारत में जब दिखेगा नहीं तो इसके सूतक काल भी मान्य नहीं है। यह चंद्र ग्रहण ज्योतिष दृष्टि से भी बेहद खास है। कुछ राशियों को इसके दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों को ग्रहण के प्रभाव से सतर्क रहना चाहिए। इन राशियों पर कुछ नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती है, इसलिए इसके दौरान धैर्य रखें, बड़े फैसले लेने से बचें और आंख बंद कर किसी पर विश्वास न करें। इतना ही, कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको पसंद आया। जय श्री कृष्णा।